इट्स अ डिफाइनिंग फिल्म, इट डेफिनेटली इज. फायर जब मैंने की थी तब मुझे उसके बाद लोग कहते थे यार इतनी बोल्ड फिल्म तुमने अपनी फर्स्ट फिल्म कर दी. तब मुझे पता ही नहीं था कि एक सेकेंड फिल्म भी होने वाली है. मुझे गुलशन ग्रोवर बाय द वे ऑफ ऑल पीपल इन द सेंस आई डिडंट इवन नो हिम. मुझे मैं दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में मैंने रह के सारा काम किया है. मैंने एक छोटी सी एक फिल्म की थी, एक थी गुंजा, जो किसी ने देखी भी नहीं. वो सिर्फ टीवी में शायद आई थी, एथनोग्राफिक, एक ट्राइबल औरत की फिल्म थी. वो मैंने की थी और तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ईटी ऐसी एक मैगजीन आती थी, एंटरटेन कुछ ऐसा सा कलर्ड फीचर आता, उसमें कुछ तस्वीर थी. वो देखकर दुर्गा जसराज, पंडित जसराज, अब आप पूछ रहे हो तो मैं पूरी तफसील से मैं उसको बताऊँगी. तो दुर्गा जसराज ने मुझे बुलाया और कहा कि एक हम एक सीरीज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आप एक्ट करो. और तब 52 एपिसोड तो लगता था पता नहीं क्या होने वाला है. तो मैंने कहा 52 एपिसोड का नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी. मैं एक अच्छी एनजीओ में काम करती हूँ दिल्ली में, बहुत खुश हूँ, मुझे ये फिल्में विल्में का कोई शौक नहीं है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे एक फ्रेंड है गुलशन ग्रोवर. मैंने कहा हाँ, मुझे विलन का रोल करते कहते हाँ. वो एक फिल्म के लिए हेल्प कर रहे हैं किसी को कास्ट करने में, एंड इट्स अबाउट अ वुमेन्स इशू. और मैं तो वुमेन्स इशू में आई वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द एनजीओ. तो आप उनसे जाके मिलिए. तो तब मैं फिर गुलशन के यहाँ गई और मतलब तब से तो मैं उनको जानती हूँ. बवंडर में भी हमने साथ काम किया, उनके बड़े आलीशान घर में गई और फिर बात बात हुई. उन्होंने कहा देयर इज अ फिल्म अबाउट टू वुमेन, इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म. दैट्स ऑल ही न्यू एंड दैट्स ऑल ही टोल्ड मी. बट आई जस्ट थॉट अच्छा बोल्ड फिल्म वुमेन कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, नॉट दैट आई थॉट इट वॉज अ फिल्म अबाउट टू वुमेन इन लव. फिर मेरे उनका कुछ फ़ोटो वोटो लेके जाना. अब मेरे पास तो ऐसे कोई आज तक भी नहीं है, मेरे पास तो आज तक पोर्टफोलियो नहीं है. और आज 23 साल हो गए, ना पीआर है, ना मैनेजर है, ना पोर्टफोलियो है, ना ये तामझाम कुछ नहीं है. खैर तब मैंने कुछ 5-6 तस्वीरें, आई डोंट नो अबाउट दैट, 5-6 तस्वीरें ली. एक लिफाफा, बारिश हो रही थी मुझे याद है, मैं छाता लेकर एक होटल में पहुँची, पता नहीं कौन सा होटल था. वहाँ पहुँची और नीचे से मैंने फ़ोन किया तो दीपा ने कहा, नहीं नंबर दिया था रूम का. तो मैंने ठक ठक नॉक किया एंड द मिनट शी ओपन शी डिडंट इवन लुक एट मी, शी सेड लेट्स गो डाउन. सो आई सेड ओके एंड आई लुक्ड एट हर दुपट्टा. आई सेड ओह यू नो आई हैव एन एग्जैक्टली सेम दुपट्टा. दैट वाज हर रिएक्शन. नो आई सेड दैट टू हर बिकॉज आई सेड फैब इंडिया का एक दुपट्टा था. आई सेड आई हैव एग्जैक्टली सेम दुपट्टा. शी लुक्ड एट मी, शी सेड व्हाई डिडंट यू कम इन. तो मैंने सोचा ये औरत थोड़ी सी स्ट्रेंज है, अभी बोल रही है नीचे जाओ, अभी कह रही है कमरे में आओ. तो मैंने ठीक है जाते हैं. फिर मैं तो बैठ गई. उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई और कहा कि अच्छा तुम स्क्रिप्ट पढ़ो. यो माई सीता, यो माई सीता. मैंने कहा सीता मतलब मैं कोई सीता टाइप लग रही हूँ? तो मुझे समझ नहीं आया. तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और कहा कि मैं ऑडिशन करूँगी. आई वॉज द फर्स्ट वन टू बी कास्ट. तब शबाना जी, कुल जी, कुलभूषण खरबंदा, किसी की कास्टिंग नहीं हुई थी. आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई थॉट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इवन इन माई लिबरल फैमिली, माई फादर इज अ पेंटर, मदर अ राइटर, वी नेवर टॉक्ड अबाउट इशूज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी. So then when I read the script and I told her my feedback and I said it's very interesting and then she said okay you're on. I said what about the audition? And she said no, I don't need to audition you, you're Sita. I'm like what do you mean, you know, why do you say that? Okay. And she said you're so impulsive, you ask questions, you know, you're fearless, that's what Sita is all about. And I said okay, I mean I don't know, isn't acting slightly different than just being yourself? She's like no, but there is a lot of you in it. I said okay if you say so. And then when Shabana ji was cast, I said Deepa, you sure you don't want to audition me? Because you know I've grown up watching her films and I'm going to be opposite her. And she's like you'll be fine. I said okay, I'll be fine. Okay. Aur koi aisa dar, and you know kabhi wo fear of failure ka dar bhi nahi tha, because kahin jab pahunchna nahi hota hai, it frees you. Ab try karte rehte, hoga hoga, nahi hoga nahi hoga. Ab dil se try karte hain, lekin to jab firaq, because I'm not a trained filmmaker, I'm not a trained actress, I didn't even work from within the industry. So main to hame honey it happened, one thing led to the other, and what films did for me was that it provided me a platform to talk about things I really cared for, not just through the films, but suddenly I was being called to various events, I was being interviewed, and I could like you're talking to me about half the time people who interview me talk about things other than films. So and I'm totally fine with it because you know, they are, those are the things I also care about. So yeah, I mean, for me, that's why it's more of social advocacy, and films is more a means to an end. मतलब film एक जरिया बन गई है अपनी बात कहने का. Film एक जरिया है. मैं लिखती हूँ, मैं column लिखती थी, 8 साल लिखा, अभी भी बीच बीच में लिखती हूँ. मैं
बोलती भी हूँ जैसे कॉलेजेस में अदर सोशल फोरम्स में. यूएन भी चली जाती. तो अभी मैं 8 यूएस के यूनिवर्सिटीज में गई थी. स्टैनफर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, येल, कोलंबिया, कॉर्नेल, ब्राउन, लाइक ऑल द टॉप यूनिवर्सिटीज, 8 ऑफ देम आईवी लीग्स. एग्जैक्टली. मंटो दिखाई, उनके स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ डिस्कशन हुआ. सलमान रुश्दी और सुकेतु मेहता कोलंबिया वाली स्क्रीनिंग पे आए. वो लोग आए थे वहाँ पर, मैंने उनको बुलाया था. सो दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट, कॉल देम टू हैव द डिस्कशन एज वेल. योयो मा जो एक बहुत अच्छे चेलो प्लेयर हैं, इंटरनेशनल भी, इंडिया भी आए थे, वो एक किसी स्क्रीनिंग में आ गए. मंटो की ग्रैंड नीस किसी स्क्रीनिंग में आ गई. तो इट वॉज सच एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस. तो ये सारी चीज़ें मीडिया, क्योंकि मेरा कोई पीआर है नहीं कि भैया आके फिर बोलो कि मैंने ये किया. अब तो हर चीज़ किसी कोई चले जाते हैं तो उनको RIP भी पब्लिकली करना पड़ता है. बिकॉज यू नो एक अजीब ज़माना आ गया है. यू हैव टू मोन पब्लिकली, यू हैव टू सेलिब्रेट पब्लिकली, अपना डंका बजाते रहो पब्लिकली. सो इट्स, वी आर लिविंग इन स्ट्रेंज टाइम्स. रिकॉर्डिंग है जहाँ पर सुकृत हुए तो किसी एक की भी रिकॉर्डिंग नहीं है. आई जस्ट हैड द बेस्ट टाइम. लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं फाइनली, वो तो कोई नहीं छीन सकता है ना. लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैं